Now let us come on the next question question number four. In figure Pt and PS are two tangents to the circle with center O such that Pt equal to five centimeter and angle TPS equal to sixty degree. Find the length of the code T S. Here we have to find the length of code. ठीक है जिसके एंड पॉइंट्स हमारे पास क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक है अब देखो ध्यान से सॉल्यूशन की बात करते हैं पी टी इक्वल टू पी एस लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉप फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ठीक है तो हमारे पास पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एस इन द ट्रेंगल पी टी एस देखो अगर ट्रेंगल्स की हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं ठीक है यानी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल तो हमारे पास एंगल दिस इक्वल टू दिस क्या होंगे इक्वल ठीक है देखो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया पीटी एस इक्वल टू पी एस टी इक्वल टू लेट किया हमने वो एक्स है कोई एंगल ठीक है नाउ इन द ट्रायंगल पी टी एस समल दी इंटीरियर एंगल इक्वल टू वन एटी एंगल प्रॉपर्टी तो हमारे पास सिक्सटी प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है एक्स की वैल्यू आई हमारे पास सिक्सटी डिग्री ठीक है यानी कि हमारे पास ये क्या फॉर्म करेगा एक इक्विलेटरल ट्रंगल जिसके सारे एंगल्स क्या हैं सिक्सटी सिक्सटी एंड सिक्सटी ठीक है 60, 60 सभी एंगल्स क्या हैं इक्वल हैं तो हमारे पास ट्रेंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रेंगल तो वहाँ से हमारे पास सभी साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी जो गिवन साइड की लेंथ है यानी कि फाइव 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 ठीक है यानी कोड की लेंथ भी कितनी हो जाएगी फाइव सेंटीमीटर हो जाएगी ठीक है हमने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रैंगल का यूज़ करके डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर दिया ठीक है